दिल्ली विश्वविद्यालय के मुफ्त शिक्षा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दिव्यांगों, विदेशी छात्रों व न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के छात्रों के लिए ये सुविधा SOL परिसर में उपलब्ध है। अन्य अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑनलाइन ही ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको सर्वप्रथम रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी विद्यार्थी की ईमेल व मोबाइल नंबर की। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, सभी सूचनाएं SMS द्वारा भेजी जाती हैं, अतः सुनिश्चित कर लें कि मोबाइल ऐसा दें जिस पर समय समय पर सूचनाएं देखी जा सके, यानी कि मोबाइल अपना अथवा अपने किसी परिजन का ही दें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपका विवरण उचित है तो सेव करने के बाद पुष्टि का मैसेज पॉपअप होगा व आपका पासवर्ड आपके दिए मोबाइल व ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अब आप अपना ईमेल यूजर आईडी की जगह डालकर व भेजा पासवर्ड डालकर आगे का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आप कोर्स व मीडियम का चुनाव करें। इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी व टाइप ऑफ स्कूल का चुनाव करें। यदि किसी फील्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा तो ड्रॉप डाउन एरो को दबाएं। सभी ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। उचित ऑप्शन का चयन करें। आपके विषय निर्धारित करने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने भाषा जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू अथवा तमिल किस कक्षा तक उत्तीर्ण की। अतः कक्षा का चयन सावधानी पूर्वक करें। आगे आप बोर्ड डिटेल भरेंगे। यदि आपके बोर्ड का नाम बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो SOL में संपर्क करें। अपनी 10वीं के डिटेल्स डालें, 12वीं का बोर्ड व रोल नंबर डालें और चेक का बटन दबाएं। अगर आपके अधिकतम नंबर और प्राप्तांक अपने आप उठकर आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके रिजल्ट की पुष्टि हो गई है। CBSE के छात्रों को स्कूल कोड और एग्जाम सेंटर कोड भी डालना होगा। यदि आपके प्राप्तांक अपने आप नहीं आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट वेरीफाइड नहीं है और सेव करने के पश्चात फी भरने से पहले आपको तब तक इंतजार करना है जब तक SOL से आपको वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आ जाता। अगर आप NIOS अथवा CBSE से हैं परंतु प्राप्तांक अपने आप नहीं आ रहे हैं तो आप बोर्ड में रिवाइज CBSE अथवा रिवाइज्ड NIOS का चयन करें। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के अभ्यर्थी हैं तो कृपया बताएं आपके पास कौन सी इंग्लिश किस कक्षा तक थी। आगे आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। BA व BCOM के छात्र इसमें परिसर का चुनाव कर सकते हैं। नॉर्थ परिसर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है व साउथ परिसर साउथ मोतीबाग विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास है। ऑनर्स कोर्सेज सिर्फ नॉर्थ परिसर में ही ऑफर किए जाते हैं। यदि आपके 12वीं के प्राप्तांक स्वतः आए थे तो आप पाएंगे कि आपका व आपके माता पिता का नाम भी अपने आप आ गया होगा।
आगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस व अन्य सूचनाएं सही सही दें। मोबाइल नंबर एक बार फिर जांच लें, यह आपका अथवा आपके किसी परिजन का ही होना चाहिए ताकि आप समय पर सूचनाएं पा सकें। आप अपना अथवा अपने अभिभावक के बैंक अकाउंट का विवरण भी दें ताकि अतिरिक्त फीस उस अकाउंट में भेजी जा सके। साथ ही हमें अपने बारे में कुछ और जानकारी भी दें, जैसे कि आप रोजगाररत हैं कि नहीं, आपके परिवार की वार्षिक सकल आय कितनी है, क्या आप फीस में रियायत चाहते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो आप आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मूल आय सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होगी। बुक बैंक की सुविधा भी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को दी जाती है। इसके अंतर्गत साल भर के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें विद्यार्थी को दी जाती हैं। अब आप अपने बारे में बताएं कि आप कंप्यूटर व इंटरनेट से परिचित हैं कि नहीं। 12वीं आपने किस वर्ग से पास की, आपका ब्लड ग्रुप क्या है व आप स्टडी मटेरियल किस रूप में लेना पसंद करेंगे। अगले चरण में आप अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करने से पहले प्रॉस्पेक्टस से सारी जानकारी ले लें ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। विषयों का चुनाव करने के पश्चात आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके 12वीं के रिजल्ट का वेरिफिकेशन हो गया था तो आप फीस भर सकते हैं, अन्यथा SOL से SMS की प्रतीक्षा करें। एडमिशन प्रोसेस के लिए बताए गए डॉक्यूमेंट्स दिए गए आकार सीमा में सुनिश्चित कर लें। अभ्यर्थी की फोटो 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, जेपिक फॉर्म में 24 KB से कम। अभ्यर्थी के साइन 3.5 से 1 सेंटीमीटर, जेपिक फॉर्म में 12 KB से कम। सर्टिफिकेट सभी PDF फॉर्म में लगेंगे जिनका की साइज 2 MB से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स लगाने इस प्रकार से हैं: 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट व मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि विद्यार्थी SC, ST अथवा OBC से संबद्ध है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि छात्र दिल्ली से बाहर का है, इनकम सर्टिफिकेट अगर छात्र फी कंसेशन अथवा आर्थिक सहायता चाहता है, कैंसिल चेक जिस अकाउंट में अतिरिक्त फीस भेजी जा सके। यदि छात्र कंपार्टमेंटल एग्जाम से पास है तो कंपार्टमेंट की मार्कशीट। पेमेंट पर जाने से पहले कृपया अपने द्वारा दी गई सभी सूचनाएं जांच लें और डिक्लेरेशन पढ़ लें तथा चेक कर दें। सुनिश्चित करने के बाद वेरीफाई बटन को क्लिक कर सर्वप्रथम पेमेंट गेटवे का व फिर पेमेंट मोड का, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग का चुनाव करें। सफल पेमेंट की स्थिति में आपकी रसीद जिस पर SOL नंबर अंकित होगा तुरंत निकाली जा सकती है। साथ ही स्टूडेंट आई कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आप SOL के विद्यार्थी बन गए हैं। आगे की सूचना आप वेबसाइट से अथवा SMS से प्राप्त कर सकते हैं। सभी SMS ID eLearn से भेजे जाते हैं, अतः ID eLearn से भेजे SMS जरूर पढ़ें। धन्यवाद।